वसंताच्या आगमनानं काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्यालाही चार चांद लागलेत. नितांत सुंदर अशा दल सरोवराच्या किनारी असणाऱ्या ट्युलिप गार्डनमध्ये ट्युलिप्सचा ताटवा बहरून आलाय. काश्मीरचे पर्यटन मंत्री तास्किद मुफ्तींनी ट्युलिप गार्डन पर्यटकांसाठी खुलं केलं. श्रीनगरच्या या ट्युलिप गार्डनमध्ये तब्बल 40 जातींची 12.5 लाख रोपं लावण्यात आली आहेत. निसर्गाचं हे रंगीबेरंगी रूप बघण्यासाठी पर्यटक आता ट्युलिप गार्डनमध्ये गर्दी करतायत. एज अ फ्लोरिकल्चर मिनिस्टर मैं कहूँगा कि मेरे जो स्टाफ हैं, ये शिक्षक साहब हों, ये डायरेक्टर मैडम हों, डाउन बिलो जो होता है एक माली, इनने दिन रात मेहनत करके सबको साथ चला करके इन्होंने इन ट्यूलिप्स को जो है ब्लूम दे दिया. ट्यूलिप गार्डन बेसिकली अच्छा ही है, जैसे अहमदाबाद में फ्लावर शो चलता है, सेम बेसिकली उससे काफ़ी बड़ा है और अच्छा लगा हुआ है. मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ, 25 तारीख इसके ऊपर ही है, आज ही ऊपर ही है, स्पेशली मैं अहमदाबाद से इधर आया हूँ सिर्फ ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए, नज़ारा देखने के लिए. काफ़ी बहुत ही बेहतरीन लगा है. और जैसा हमने सोचा था कश्मीर को बिल्कुल वैसे ही था, थोड़ा सा जो एक डर था वो भी ख़त्म हो गया यहाँ आके. तो मैं पब्लिक को ये मैसेज दूँगी कि यस, आप ज़रूर कश्मीर आओ, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं. तो यस, यू कैन विजिट और आप आ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ के खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं. फ्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.